हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर किया। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाई 3। हमें ये बताना है, जो हमें ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है उसके अंदर स्मॉलेस्ट डिजिट बताना है एंड लार्जेस्ट डिजिट बताना है, ताकि हम इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड कर सकें। अब देखो, स्मॉलेस्ट डिजिट के लिए हमारे पास क्या आएगा, अब इन सभी की हम प्लस करके देखते हैं क्या आएगा। 3 से डिवाइड होने के लिए हमारे पास रूल था कि जो भी डिजिट दिए हुए हैं उन सभी का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम क्या बोल देंगे, पूरा डिजिट 3 से डिविजिबल है। अब हम इन सब का सम करेंगे, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 6 19। अब 19 के अंदर हम कम से कम कितना ऐड करें, अगर हम 19 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 21। और 21 किसका डिविजिबल है, 3 का, इसीलिए हमने स्मॉलेस्ट डिजिट क्या लिखा, 2। अब अगर हम ब्लैंक में 2 लिखते हैं तो 2 6 7 2 4 आएगा हमारे पास, सभी का सम करेंगे क्या आया, 21। एंड 21 इज़ डिविजिबल बाई 3। इसी तरह लार्जेस्ट डिजिट पूछ रखा है, सभी का सम क्या आया था हमारे पास, 19 में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऐड कर सकते हैं, 19 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 27। क्योंकि 8 से ज़्यादा तो डिजिट हम ऐड ही नहीं कर सकते, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 हमारे पास 2 डिजिट में आ जाता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 8 अगर हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास सभी डिजिट्स का सम क्या आया, 27। एंड 27 इज़ डिविजिबल बाई 3। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, सेम एज इट इज़, 4, 7, 6, 5। उसके बाद हमारे पास ये ब्लैंक्स दे रखा है एंड 2। अब इस ब्लैंक्स में क्या भरना है हमें ये देखना है, 4, 7, 6, 5 और 2 इन सभी डिजिट्स का सम करेंगे, सभी डिजिट्स का सम करेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 7, 11, 11 प्लस 6 18, सॉरी 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 5 22, प्लस 2 24। अब हमारे सभी डिजिट्स का सम क्या है, 24। अगर हम स्मॉलेस्ट डिजिट 0 रखेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारे डिजिट्स का सम भी क्या रहेगा, 24। इसीलिए हमने स्मॉलेस्ट डिजिट क्या रखा, 0। लार्जेस्ट डिजिट क्या रखेंगे, 24 हमारे पास सम है, 24 में हम कितना ऐड कर दें, अगर हम लार्जेस्ट डिजिट 9 रखेंगे तो इसके जगह 9 रख दिया, सभी का प्लस करेंगे क्या आया हमारे पास, 33। एंड 33 इज़ डिविजिबल बाई 3, इसीलिए हम क्या बोल देंगे कि ये पूरा का पूरा डिजिट है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 6, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स सो दैट द नंबर्स फॉर्म इज डिविजिबल बाई 11। अब हमें ब्लैंक स्पेस को भरना है और क्या करना है, 11 से डिविजिबल बनाना है। अब देखो, डिविजिबल बनाने के लिए 11 से डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या रूल था, सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस, जो भी आता है उन सभी का, उनका डिफरेंस अगर हमारे पास या तो 0 आए या फिर 11 का डिविजिबल आए, तो हम क्या बोल देते हैं कि वो जो डिजिट है वो भी 11 से डिविजिबल होगा। अब देखो, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस के डिजिट हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑड डिजिट क्या है, 9 है, 9 के बाद थर्ड पे कौन आता है, यहाँ पे हमें फिल करना है, इसीलिए थर्ड हमारे पास क्या आया, 9। 9 प्लस 9 हमारे पास क्या आएगा, 18 आ जाएगा। और अगर हम इसके ऊपर 8 रख लेते हैं तो प्लस 8 कर दिया, क्या आया, 25। हमारे पास क्या पूछ रखा था, स्मॉलेस्ट डिजिट एंड लार्जेस्ट डिजिट, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। अगर हम इवन प्लेस डिजिट उठाते हैं तो हमारे पास क्या आया, 2 प्लस 3 प्लस 9, इन सभी को प्लस करेंगे इज इक्वल टू में क्या आएगा, 14। अब 25 और 14 का डिफरेंस कितना आया, 11 आ गया, इट मीन्स ये इससे डिविजिबल होगा, इसीलिए हमने इस ब्लैंक्स में क्या रखा, 8। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 8 ब्लैंक्स, 9, 4, 8, 4।
इसी तरह हम इसमें करेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑड प्लेसेस डिजिट का सम। ऑड प्लेस पे हमारे पास क्या है, 8, 9 एंड 8। 8 प्लस 9 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या है, 25। उसके बाद हम सम करेंगे सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। इवन प्लेसेस का सम हमारे पास क्या आएगा, इवन प्लेसेस हमारे पास क्या है, पीछे से देखो 4 4 8, 4 4 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें ब्लैंक स्पेस को भरना है, इसीलिए हमने क्या किया, 4 प्लस 4 8 आ गया हमारे पास है। और यहाँ पे हमारे पास सम कितना है, 25। अगर हम इन दोनों का 25 और 8 का डिफरेंस देखते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 17। अब हमारे पास हमें डिफरेंस क्या लेके आना है, या तो 11 आना चाहिए या फिर हमारे पास 0 आना चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या स्पेस भरना पड़ेगा, अगर हम इसके अंदर 8 प्लस 6 कर देंगे क्या आ जाएगा आपके पास, 14। और 25 में से फिर अगर हम 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11। इसीलिए हमने ब्लैंक स्पेस में क्या भर फिल कर दिया, 6। अब हमारे पास सम क्या आया, 14। डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, 25 माइनस 14 इज इक्वल टू 11। थैंक यू।